9 अक्टूबर को पूरे भिलाई शहर में भी ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में ताज दरबार कमेटी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी ताज दरबार कैंप 1 में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार पूरी शान शौकत के साथ बाबा ताज के मुरीदों एवं वहां आए जायरीनों के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्यारे नबी की आमद की मुबारक मौके पर ताज दरबार नानी अम्मा परिसर में लगे निशान पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। पुराने परचम को पूरे सम्मान के साथ उतारा गया एवं नए परचम को लहराया गया। वहीं परचम पर इत्र भी लगाई गई और लोबान पेश की गई। साथ ही ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति भिलाई की जानिब से बाबा ताज के आस्थाने पर फूलों की चादर पेश की गई। वहां उपस्थित जायरीनों के लिए खैर बरकत की विशेष दुआएं भी मांगी गई। प्रोग्राम में उपस्थित जायरीनों ने अपने प्यारे नबी को सलाम भी पेश किया और दुआएं भी मांगी। ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर ताज दरबार में खीर का लंगर भी लगाया गया। कमेटी की अध्यक्षा हज्जन बद्रुन्निसा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने प्रोग्राम की पूरी जानकारी न्यूज टीम को दी है। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर भिलाई ताज दरबार नानी अम्मा की मज़ार में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति भिलाई के जानिब से परचम कुशाई की गई है। इस मुबारक मौके पर भिलाई शहर से तमाम जायरीन यहाँ पे उपस्थित रहे। परचम कुशाई के बाद यहाँ पे फातिहा खानी की गई और सबके लिए दुआएं मांगी गई, अमन और चैन की। आज दरबार में सरकार मोहम्मद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु वसल्लम का पैदाइशी दिन मनाया गया और बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। आज का दिन उनका खुशी का दिन है और सभी जायरीन मिलकर उनकी खुशियों में नशान पेश करते हैं। परचम कुशाई की गई और खीर तकसीम किया गया और सबके लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी। बहरहाल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे देश दुनिया की तरह भिलाई शहर में भी सरकार की आमद की खुशियां मनाई गई और जगह जगह लंगर का एहतमाम भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।